दोस्तों, क्या आपको पता है कि एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी, जो कि हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं, और दुबई के शेख, जो कि हर वक्त अपना पैसा पानी की तरफ बहाते रहते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है? मुकेश अंबानी के पास तो इतना पैसा है कि अगर उनकी जेब से 2000 का नोट गिर भी जाए तो उसे उठाने में करीब 10 सेकंड का समय लग जाएगा, और उतने ही समय में वो 40,000 रुपए कमा चुके होंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दुबई के शेखों की बात करें तो दुबई के शहजादों के रुतबे का आलम इतना है कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उनकी चमक इन शेखों के सामने फीकी पड़ ही जाती है। वैसे तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, लेकिन आइए मैं आपको इन अमीरों की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे शायद आपको ये पता लग जाए कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर एक, पैसा। 2021 में फोर्ब्स की बिलियनेयर लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी के पास 85 बिलियन डॉलर्स, मतलब करीब 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ शेखों के पास कितना पैसा है उसका आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एक बार फोर्ब्स ने बताया था कि दुबई के शेख के पास 18 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है, लेकिन दुबई के शेख ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास इससे 10 गुना ज्यादा पैसा है, और इसके बाद फोर्ब्स ने दुबई के शेखों को अपनी बिलियनेयर लिस्ट में शामिल करना ही छोड़ दिया। नंबर दो, कार्स कलेक्शन। अगर हम मुकेश अंबानी के कार्स कलेक्शन की बात करें तो मुकेश अंबानी के सिर्फ एंटीलिया अपार्टमेंट में ही 168 लग्जरी कार्स हैं, जिनमें आपको दुनिया भर की सभी एक से बढ़कर एक कार्स मिल जाएंगी। उनकी कार्स कलेक्शन में 7.5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम, 4 करोड़ की मर्सिडीज SLS, 8.5 करोड़ रुपए की BMW, 6 करोड़ की एस्टन मार्टिन और 25 करोड़ रुपए की वैनिटी वैन भी शामिल है। एंटीलिया अपार्टमेंट में इनकी सिर्फ लग्जरी कार्स की पार्किंग के लिए ही 6 फ्लोर्स अलग से बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेखों की बात की जाए तो दुबई के शेखों के घर पर भी 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिनमें फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, मैकलेरन, ये सब सुपर कार्स तो नॉर्मल हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियां खरीदना शायद दुबई के शेखों के लिए कम ही था, इसीलिए उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा गाड़ियां 24 कैरेट गोल्ड यानी कि सोने से बनवाई हैं। और उनके पास तो कुछ ऐसी कार्स भी हैं जिनमें हीरे तक भी जड़े हुए हैं। भाई, कार्स तक तो चलो ठीक ही था, उनकी ये करोड़ों की कार्स में जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी करोड़ों में ही होती हैं। एक बार तो दुबई के शेख ने अपनी मनचाही नंबर प्लेट को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए की बोली लगा दी थी। नंबर तीन पर है हाउसेस, यॉट्स और प्राइवेट जेट्स। दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर इस दुनिया का सबसे महंगा घर है, जिसकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस 27 मंजिला बिल्डिंग में तो सिर्फ 6 फ्लोर्स कार पार्किंग के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अलावा इस घर में स्विमिंग पूल, मंदिर, सिनेमा, जिम और हेलीपैड भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस घर में अभी सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं, लेकिन उन 4 लोगों की सेवा के लिए इसमें 600 नौकर काम करते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास और भी बहुत सारे घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। वहीं अगर हम दुबई के शेखों की बात करें तो इनके पास एक 300 मिलियन डॉलर्स का पैलेस है, जिसमें इनकी रॉयल फैमिली रहती है। इस घर में स्विमिंग पूल, सिनेमा, लाइब्रेरी के अलावा एक प्राइवेट जू भी है, और उस जू में दुबई के शेखों के बच्चे चीता के साथ अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ दुबई के प्रिंस ने फ्रांस में भी एक महल खरीद कर रखा है, जहां वो अक्सर हॉलीडेज के लिए जाते रहते हैं। इस घर में भी 100 से ज्यादा नौकर दुबई प्रिंस के ऐशो आराम का ख्याल रखने के लिए लगे रहते हैं। अगर हम बात करें लग्जरी यॉट्स की, तो मुकेश अंबानी ने पिछले साल 400 करोड़ का लग्जरी यॉट तो नीता अंबानी के बर्थडे में ही गिफ्ट कर दिया था। उस यॉट में 4 बेडरूम्स के अलावा मीटिंग रूम, किचन और सिनेमा हॉल भी शामिल है, जिसमें 20 लोग बड़े आराम से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। इस यॉट के अलावा मुकेश अंबानी के पास एक और भी सुपर यॉट है, जिसे उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी को गिफ्ट में दिया था। दूसरी तरफ दुबई के शेखों की बात करें तो इनके पास 1,000 करोड़ रुपए की एक प्राइवेट यॉट है, जिसको समरेल्डा भी कहा जाता है। इस यॉट पर वो सुकून, वो ऐशो आराम पाया जा सकता है जो कि किसी बड़े से बड़े 7-स्टार होटल में भी नहीं पाया जा सकता। इस 7-स्टार यॉट पर तो 24 कमरे सिर्फ नौकरों के ही हैं, जो कि खाना बनाने के साथ साथ सफाई का ध्यान रखते हैं। और ये यॉट शेख हमदान 5 से 10 लोगों की पार्टी के लिए ही यूज करते हैं। इसके अलावा इनके पास 400 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 4,000 करोड़ रुपए की एक और
यॉट है जिसे दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। इस यॉट में 48 मेहमान ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा इसमें 90 नौकरों के कमरे भी हैं जो पानी में तैरते इस 4000 करोड़ के महल की खिदमत करते हैं। इसके अलावा इनके पास ऐसी ही 2 लग्जरी यॉट्स और भी हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के प्राइवेट जेट्स की, तो मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं जिनमें से एक 230 करोड़ रुपयों का एयरबस 319 प्राइवेट जेट है जो कि इन्होंने नीता अंबानी को बर्थडे पर ही गिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास बोइंग बिजनेस जेट भी है जिसकी कीमत 535 करोड़ रुपए है और साथ ही में उनके पास फैल्कन 900X जेट भी है। दुबई प्रिंस की बात करें तो उनके पास एयरबस A380 प्राइवेट जेट है जो कि 500 मिलियन डॉलर्स मतलब करीब 3650 करोड़ रुपए के बराबर है। ये प्राइवेट जेट दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस प्राइवेट जेट को दी फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है क्योंकि सच में ये एक उड़ते हुए महल से कम नहीं है। इसमें एक कॉन्सर्ट हॉल, टर्किश बाथ, रॉयल्स रॉयस के लिए एक स्पेशल गैराज के साथ साथ एक प्रेयर रूम भी मौजूद है। इसके साथ साथ दुबई प्रिंस के पास 220 मिलियन डॉलर्स की बोइंग 747 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है। वैसे दुबई में तो शेखों को बास बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो जहां भी जाते हैं वो बास को अपने साथ लेकर जाते हैं, फिर चाहे उन्हें बास के लिए अलग से ही टिकट क्यों ना बुक करानी पड़े। वैसे तो एक बार दुबई के किंग कहीं बाहर जा रहे थे और वो 80 बाजों को भी अपने साथ लेकर चले गए जिसके लिए उन्होंने अलग से ही प्लेन बुक कराया था। नंबर 4 पर है पार्टीज और उनकी शादियां। दोस्तों अगर हम मुकेश अंबानी की बेटी की शादी की बात करें तो कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी इस दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। इस शादी में ही जो उनकी बेटी ने ड्रेस पहनी थी वही लगभग 90 करोड़ रुपए की थी। उस वेडिंग के इन्विटेशन कार्ड ही 5 लाख रुपए के थे। ये तो बात हुई शादी की, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी की सिर्फ एक बर्थडे पार्टी पर ही 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और उस पार्टी में तो देश विदेश की नामी हस्तियां भी शामिल थी। अपने मेहमानों को जोधपुर में पहुंचाने के लिए उन्होंने उस बर्थडे पार्टी पर ही 32 चार्टर्ड प्लेन्स बुक करवाए थे। उनकी पार्टीज में जो सजावट के लिए चीजें इस्तेमाल हुई थी वो सभी लंदन से मंगवाई गई थी। और यहीं अगर हम बात करें दुबई के शेखों की तो शेखों की शादी भी कुछ कम नहीं होती। जब भी शेखों की शादी होती है तो वो दुनिया भर की खबर बन जाती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपको शेखों की शादी में ना मिले। इनकी शादी में दुनिया भर के अमीर से अमीर शख्स बुलाए जाते हैं। इनकी शादी में करोड़ों रुपए तो सिर्फ फूलों की सजावट पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। इस शादी में जो मेहमान आते हैं उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां तो सिर्फ गिफ्ट के तौर पर ही दी जाती हैं। इनकी शादी करीब एक हफ्ते तक चलती है। शादी में महंगी से महंगी शराब भी परोसी जाती है। नंबर 5, दुनिया के सुपरस्टार्स को मिलना। दोस्तों अगर हम बात अंबानी फैमिली की करें तो इनके घर में जब भी कोई पार्टी या फिर कोई शादी होती है तो बॉलीवुड के सभी सितारे इनके घर पर जरूर बुलाए जाते हैं। अंबानी पैसों को उन पार्टीज में बॉलीवुड के सितारों पर पानी की तरह बहाते हैं। भाई जहां हम उनसे मिलने को तरसते हैं वहीं अंबानी को मिलने के लिए वो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स खुद बे खुद उनके घर पर आते हैं। अब अगर बात करें दुबई के शेखों की तो उन्हें अगर दुनिया के बड़े बड़े सितारों से मिलना होता है तो वो कहीं नहीं जाते बल्कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स छुट्टियां मनाने खुद बे खुद उनके घर पर जाते हैं। दरअसल वो सुपरस्टार्स को मिलने के लिए मुंह मांगे पैसे देते हैं। यही तो है पैसों का जलवा। एक बार तो दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की महिला स्टार से मिलने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च दिए थे और तो और उन्हें अमेरिका की कई मॉडल्स के साथ छुट्टियां मनाते हुए भी देखा गया है। नंबर 6 पर है महंगी चीजें। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीजें हैं। जैसे कि आप नीता अंबानी का मोबाइल ही ले लो जो कि कहा जाता है कि 350 करोड़ रुपए का है। इसके साथ साथ नीता अंबानी के कपड़े और लिपस्टिक वगैरह भी करोड़ों रुपए के होते हैं। यहाँ तक कि वो जिस कप में चाय पीती हैं वो भी 1.5 करोड़ रुपए का है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी अपनी सिक्योरिटी पर हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेखों की बात करें तो गाड़ी से लेकर मोबाइल तक उनके पास हर चीज सोने की ही है। शेखों की कलेक्शन में रॉयल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी जैसी बहुत सारी सोने की पर्त की कारें भी हैं। इन्होंने तो अपने एरिया में ऐसे एटीएम भी लगा रखे हैं जिसमें से सोने की बिस्किट्स वगैरह निकलते हैं। गाड़ी और एटीएम तक तो चलो ठीक भी था, इन्होंने तो टॉयलेट्स वगैरह भी सोने के बनाकर रखे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि इनमें से ज्यादा अमीर कौन है, दुबई के शेख या फिर मुकेश अंबानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।